श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब एडवोकेट धामी जी, मजीठिया साहब, माझे की समुची पार्टी की लीडरशिप, इलाके के कोने कोने तो आए पतवंते सज्जनों, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले मैं अज की शुभ दिहाड़े की सारे लख लख वधाई दिना। हर साल इस शुभ दिहाड़े ते आपां कट्ठे हुंदे आ, विचारां करदे आ, इतिहास नूं सुणदे आ, पर फिर वापस चले जाने आ। जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं सुन के उहदे ते कोई सिखणगियां, उही कौमां अगे वधदियां। खालसा जी, अज जो मैं गल्लां करना चाहुंना थोड़े नाल, मैं चाहुंना कि अज शाम नूं तुसीं घरे जाके इहदे उत्ते विचार जरूर करियो, क्योंकि जे विचार सीरियसली करांगे तां ही आपां सही राह ते चल पावांगे। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 102 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣੀ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ
अपने दे दुश्मन बने बैठे हैं, अपनी ताकत नू कमजोर कर लगे हैं। खालसा जी एक गल तुसी जरूर याद करो जो घरे जाओगे, बाबरी मस्जिद ते हमला बीजेपी ने कराया, किन्ने साल हो गए एक मुसलमान बीजेपी नू वोट नहीं पाउंदा। इत्थे दरबार साहब ते टैंकां तोपां नाल हमले होए, अपने हजार हजारां भैण भरावां दा कतलेआम होया, जिथे अपना भैण भरा हिंदुस्तान सी उहनूं कढ़िया गया, मारिया गया, लुटिया गया। ते अपने उहदे बाद दो तीन बार कांग्रेस की सरकार बनाती तुसीं, फिर आपां अपने आप नूं की कहने हैं, खोट अपने च है कि बाहर दे च है? आपां नूं कोई मारदा आपां भज के सरोपे पाउण लग जांदे हैं। आ जिहड़ी बीमारी कल्ले अपनी कौम च ही है, बाकी सारी जगह ते वो एक अपने अपने पक्के है। किते कोई सोच सकदा यार वोट पाउणी कांग्रेस नूं, ते आपां स्टेजां ते चढ़ के बार बार उन्हां नूं वोटां पाउणे आ? आ जिहड़े जिन्ने कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, हुण जिहड़ा भी आउंदा है तुसीं उन्हां दे भाषण सुन लो, कल्ले अकाली दल दे खिलाफ बोलदे आ, अकाली दल दे खिलाफ बोलदे आ, अकाली दल दी लीडरशिप दे खिलाफ बोलदे आ। क्यों? उन्हां नूं पता है जे सिख कौम नूं खत्म करना है, कमजोर करना है, थोड़ी ताकत नूं कमजोर करना है, अकाली दल नूं कमजोर कर दिओ, वो कामयाब हो रहे हैं। आपां उन्हां दे खिलौने बनी जाने हैं। हुण मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा हां, थोड़े एक पार्टी के खिलाफ बड़ा प्रचार किया गया, नशे का प्रचार किया गया जी, अकाली सरकार ने नशा बकाया। हुण मजीठिया साहब के खिलाफ नशे का झूठा प्रचार किया गया, आप गल सारे कह लग गए। आ देख लो 7 साल हो गए, हुण तां साडी सरकार नहीं, 5 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा, एक चीज नहीं कर सकिया। आ 2 साल इन्हां दे हो गए, एक चीज नहीं कर सकिया। कल्ले मजीठिया साहब दे नहीं, किसे भी अकाली वर्कर दे लीडर दे नाम दसो, ते उदों की प्रचार झूठा गल्लां च। अज कांग्रेस दे टाइम अपने समय तो दुगना सी, अज तां नशा 10 गुना वध गया कि नहीं दसो। आ जिहड़ा गवर्नर दा रौला की है मुख्यमंत्री नाल, जिहड़ा पंजाब दा गवर्नर दा रौला की है, पंजाब दे गवर्नर नूं कोई चिट्ठी लिखी किसी ने कि सरकारी ठेकियां ते नशा वेचिया जा रहा है लुधियाने विच, सरकारी शराब दे ठेकियां ते नशा वेचिया जा रहा है। इन मुख अपने गवर्नर ने लिखिया मुख्यमंत्री नूं कि जांच करन वास्ते, मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिता, क्योंकि रले सी सारे। गवर्नर ने की कीता, सेंटर दी एक एजेंसी है जेड़ी नशा पूरे हिंदुस्तान चेक करती है, ते नेशनल नैरोकोटिक्स दी ब्रू हैगा एजेंसी, ओदी ड्यूटी लाई। जदों उन्होंने छापे मारे लुधियाना शहर दे 66 ठेकियां उत्ते चिट्टा बिकदा, उन्होंने फड़िया चिट्टा 66 ठेकियां उत्ते कल्ले लुधियाने शहर दे। ते हुण मुख्यमंत्री ने की कीता, उन्होंने सील कीते, आम आदमी पार्टी सरकार ने वो फिर तो खोल दिते है। तो नशा बकाउंदा कौन है? आ सारे इन्हां दे लीडर महीना ले रखे है, महीना लेंदे है। जिन्ने नशा वध्या क्यों है? क्योंकि एमएलए नूं
ने अपने जिन्ना नेशन वेचण वाले ना महीना बन लिया, जेड़ा थानेदार कोई रोकने की कोशिश करता उन्हें बदल दिता जाता है। आ तो हालात हो पे है, कई थानेदार ईमानदार सी फिरोजपुर वाले मेरे को आए, मैनू कहिंदे जी मेरी बदली हो गई, मैं पता करा, कहिंदा जी मैं नशे वाला फड़िया तो MLA गुस्से हो गया, उन्हें मेरी आपने बदली करा दी। आ तो हालात है, जिस तरीके ना नशा हुण वेच ला दिता है तबाह कर देंगे पंजाब। दूजी गल याद रखो, जिहड़ी पार्टी गुरु घर की सेवा करने वाली, जिन्हें 102 साल रोज अरदास करके वर्कर उस पार्टी दे लीडरशिप अरदास करके घरों निकलती है, जिहड़ी 24 घंटिआं इक ना कोई समय गुरु घर जाके मत्था टेकने वाली पार्टी है, उस पार्टी उत्ते एक होर झूठा इल्जाम ला दिता बेअदबी का। क्योंकि उन्हें पता है कि आप किवें हरावांगे, असी तो बड़ा क्या झूठ बोल रहे हैं, इन्ना प्रचार इन्ना प्रचार, ते किहड़े बोल रहे सी, कांग्रेसी उन्हां मीटिंगां जाके जिन्होंने टैंकां तोपां ते हमला किया, आपां उन्हां दीआं गल्लां च तां आ गए, जिहड़े थोड़े गुरु घर दे सेवादार है उन्हां नूं पुछे ही नहीं। भगवंत मान स्टेटां जांदा, जिहड़ा शराब पी के गुरु घर च जांदा है उहदी गल तां आपां मन ली, ते जिहड़े बेचारे खालसा पंथ दे नुमाइंदे आ उहनां दे उत्ते लग गए प्रचार करन, क्योंकि निशाना श्रोमणी अकाली दल नूं कमजोर करना। अज 7 साल हो गए, 5 साल कांग्रेस दे राज नूं हो गए, 2 साल हो गए, बेअदबी दे मामले च इन्हां ने चलान भी पेश करते, दसो किहड़े अकाली लीडर दा उहदे च नां है, किहड़े अकाली वर्कर दा उहदे च नां है, ते फिर झूठ क्यों बोलिया तुसीं? मैं पूछना चाहना, अज तुसीं कोई गल भी सोचियो, पिछले मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, पिछले 1 साल जी 6-7 जगह ते बेअदबियां हुई हैं, वो जिहड़े कहिंदे हुंदे सी वड्डे धरने दिंदे हुंदे सी वो किसे एक जगह ते भी गए, एक जगह ते भी गए, एक भी परचा कराया। तुसीं देख लो दरबार साहब दे अंदर बंदा वड़ के बेअदबी कर लग्या, अपने सेवादार ने फड़िया, SGPC ने उहदी लाश दित्ती, अगले दिन ही संस्कार कर दिता, इंक्वायरी नहीं कराई कित्थों आया, उहदा DNA टेस्ट नहीं किया लभण वास्ते कित्थों आया, उत्थे कवर अप कर दिओ, कितने पता अखबार च आया कितने? आज भी 8-10 जगह पर जिथे बेअदबी हुई हैं, जे उत्थे गया उत्थे पता करन वास्ते या प्रेशर पाउन वास्ते सरकार ते कल्ले श्रोमणी अकाली दल ते SGPC दे वर्कर। मैं पूछना चाहना दादूवाल साहब, तुसी कित्थे सी इन्ने दाल, हुण किधर गायब हो गए हो? मंड साहब कित्थे गायब हो गए हो? उदों तो तुसी चोला पा के दिखाउणे हो गात्रां उत्ते रख के कि असी कल्ले सिख है, वो सिख नहीं है, कौम दे गद्दार है, सरकारां दे एजेंट है, जिहड़ी अपनी कौम नूं कमजोर करना चाहते। तीजी गल, थोड़े नूं बदनाम कीता थोड़ी सरकार नूं कि रेता 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 रेता, अजकल रेते दे की रेट है दस्यो, पता लग गया की रेत? आ कटारू चक वाले तो बादशाह रेते दे, जेडे अपने टाइम च 7 रुपये मतलब फुट आउंदा सी पाया कुछ, अज 50-50 रुपये हो गया, सरेआम खुला लुट्टी जांदे आ, ते हुण कोई बोलदा ही नहीं, हुण आपां क्यों घरां च बैठे हैं? अपने तो 10 गुणा सी कांग्रेस समय च, ते कांग्रेस दे 10 गुणा हुण हो गया, आपां चुप क्यों?
क्योंकि आप जिहड़ा झूठ बोलता उहदे अखे ज्यादा लगते हैं, जिहड़ा सच बोलता उहदे घट अखे लगते हैं। हुण कई जथेबंदियां किसानी की गल कर लग जांदियां, उन्हां जथेबंदियां नूं पुछो किसानी वास्ते तुसीं कीता की है। जे सही मैने ते जे देश विच कोई किसानां दी जथेबंदी है वह है श्रोमणी अकाली दल। जे सही मैने ते खेत मजदूरां दी, गरीब दी, व्यापारी दी जथेबंदी है, आम जनता दी जथेबंदी है वह श्रोमणी अकाली दल है। ते थोनू गाला कढ़दे सी जी, थोड़े दे उत्ते जी मैनूं याद है घेरा पाउंदे सी। मैं पुछना चाहुंदा है जिहड़े किसान वीर बैठे है जिहड़े खेत में थोड़ा ट्यूबवैल तो सारयां दे लगे इत्थे, थोनू ट्यूबवैल का कनैक्शन किने दिता? अपने बजुर्गों तो जाके पुछ लो। कल्ले कल्ले नूं बादल साहब ने दिता, अकाली दल की सरकार ने दिता है। वह ट्यूबवैलों के बिल किने माफ किए हैं? बादल साहब ने माफ किए हैं, अकाली दल ने किए हैं। आ जड़ियां कसियां नहरां बनियां किने बनाई हैं? अकाली सरकार ने बनाई है। थोड़े मंडियां जड़ियां जथेबंदियां कहंदियां सर प्राइवेट करके खत्म हो जाएंगी, वो सारिया मंडियां बनाने वाला अकाली दल है। पिंड पिंड थोड़े फसलों नूं चक्कण वाला अकाली दल है। MSP देश में लागू कराने वाला श्रोमणी अकाली दल है। ट्रैक्टरां दे टैक्स लगता हुंदा सी, वह टैक्स खत्म करने वाला अकाली दल है। गरीब नूं आटा दल देने वाला अकाली दल है, शगन देने वाला अकाली दल है, पेंशन देने वाला अकाली दल है, SC भाईचारे नूं पेंशन देने वाला, अपना SC स्कॉलरशिप देने वाला अकाली दल है। जिहड़े लड़कियां नूं साइकल देने वाला पढ़ने वास्ते अकाली दल है। नौजवानों नूं खेडां दा समान, जिम, वर्ल्ड कप कबड्डी कराने वाला अकाली दल है। इन्हां कोले दसो की कीता इन्होंने? आपां फिर भी एक्चुअली आ जिहड़ी बीमारी है ना कल्ले अपने पंजाब च ही है। अपने तो ज्यादा सियाने गुजरात वाले है। जो मर्जी आ जाए नवा, कोई मर्जी झूठ बोल ले कहिंदे नहीं अजे तां मोदी नूं ही पाउणी है। अपने तो सियाने ज्यादा दूजे सूबे दे हिमाचल वाले, केजरीवाल ने जो गप इत्थे मारे आई गप केजरीवाल उत्थे मान गया सी, पर उन्होंने गप नहीं मन्ने, वो कहिंदा सारा झूठा है झूठा है। ते देखो जे तुसी बचाउणा पंजाब नूं, मैं तुहानूं सही गल ना थोड़े हाथ च है, असी तां पूरी दिन जिंदगी मेरे पिता ने सेवा कीती, पूरी जिंदगी असी करते रहांगे, पीढ़ी ते पीढ़ी करते रहांगे। पर एक गल याद रखियो, पंजाब नूं बचाउण वाला कला श्रोमणी अकाली दल, होर सारे मारन वाले है।